इन जालिमों को किसने बताया कि नौज़ुबिल्ला नौज़ुबिल्ला सहाबा मुर्तद हो गए थे। अल्लाह की कसम, ये उस ज़माने के काफिर का भी अकीदा है कि सहाबी मुर्तद। मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ, तकरीबन पाँचवीं छठी हदीस शुरू में आ रही है। हज़रत अबू सुफियान फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी तक ये मुसलमान नहीं हुए थे, कहते हैं कि मैं रोम के एक इलाके हुमस में पहुंचा और वहाँ साहिब रोम हर एक कल बादशाह वहाँ पे पहुंचा हुआ था, और इधर से इमामुल अंबिया सैयदुल वरा हजरत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत व तबरीक के मरासले वहाँ तक पहुँच गए। जैसे हर एक कल साहिब रोम को पैगम्बर का ख़त पहुँचा, उसने कहा तहकीकत के लिए ऐसे करो कि अरब का कोई तजारती काफिला अगर इस इलाके में आया है उसको मेरे सामने लाया जाए। तो पता चला कि एक अरब नहीं बल्कि वहाँ मक्के का असली मक्के के रहने वालों का काफिला आया है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाया जाए, तो उस मकाम पर उन सब को बुलाया गया। हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए, कहते मैं भी चला गया। उसने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उस नबी का सबसे ज्यादा करीबी है रिश्तेदारी के एतबार से? हजरत अबू सुफियान ने फरमाया मैं हूँ, मेरी रिश्तेदारी बड़ी करीब से है, मेरे कुंबे कबीले और बरादरी का वो बंदा है, मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। उसने कहा कि अबू सुफियान को आगे बैठा दिया जाए और बाकी लोगों को पीछे बैठा दिया जाए। उसने कहा अपने तर्जमान को इन लोगों को कह दें कि ये अबू सुफियान, मैं इनसे चंद सवाल करने लगा हूं, अगर ये कहीं झूठ बोलेगा तो तुमने इसको टोक देना है कि ये झूठ बोल रहा है, लिहाजा ये सच्ची सच्ची बातें मुझे सुनाए। उसने तकरीबन 11 या 10 11 सवाल उसने किए, उसमें एक उसने सवाल ये भी किया कि ये तो बता कि अयजीद होना अमयन को सोना, कि जो लोग वहां पर ईमान लाते हैं वो दिन ब दिन भर रहे हैं या कम होते हैं? मैंने कहा कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसने कहा यह बता कि ज़ुआफ़ाहुम, कमजोर लोगों ने ईमान कबूल किया है या दौलतमंदों ने ईमान कबूल किया है? मैंने कहा कि ज़ुआफ़ा ने किया। एक सवाल वो ये करता है, हल यर्तद्दु अहदुम मिन्हुम, ये तो बता कि जिसने पैगंबर का कलमा पढ़ा है, इमामुल अंबिया के हाथ में हाथ दिया है, पैगंबर का दामन पकड़ा है, उनमें से कभी कोई मुर्तद हुआ? अबू सुफियान ने कहा कभी नहीं मुर्तद हुआ, हमने तो बिलाल की खलड़ी उधेड़ दी लेकिन उसकी जुबान पर फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह। मुर्तद तो आज तक कोई नहीं हुआ। काफिर भी जानता है कि किसने कलमा पढ़ा है नबी का, नबी के दामन में आया, वो मुर्तद नहीं हुआ। अलयाज़ु बिल्ला, ये मुर्तद कहता किसको है? किसको कह रहा है मुर्तद? अबू बकर को रजी अल्लाह ताला अन्हु को? हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में ये अकीदा, अबू बकर के बारे में ये नजरिया? कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमाना। ईमान इस वजह से मेरे महबूब तेरे सहाबा का हक है क्योंकि इनके दिलों पर ईमान मैंने अल्लाह ने लिखा हुआ है, मैंने अल्लाह ने इसके इनके दिलों पर ईमान लिखा हुआ है। मेरा भाई, बात बड़ी तवज्जो की है, बात समझने के साथ ताल्लुक रखती है। आसमान अल्लाह के इज़्ज़त पे खड़ा है, आज तक ये हिल ना सका, और ये ज़मीन पानी पर अल्लाह के इज़्ज़त से बिछी हुई है, आज तक ये हिल ना सकी, ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ ना जा सकी। आ, और ये चांद सूरज सितारों को अल्लाह ने रोशनी अता कर रखी है और इनकी रोशनी आज तक मदम ना हुई। वही रब कहता है, अल्लाह कहता है कि आसमान मैंने बनाया, ज़मीन मैंने बनाई और ये चांद सूरज सितारे मैंने बनाए, ये कुल कायनात मैंने बनाई और आज तक मेरे इज़्ज़त के ऊपर ये सारी कायनात खड़ी है और ये हिल ना सकी। जिस रब ने आसमान खड़ा कर दिया, जिस रब ने जमीन को बिछा दिया, जिस रब ने चांद सूरज सितारों में रोशनी भर दी, वो ही तो रब कहता है कि मैंने नबी के सहाबा के दिल पर ईमान लिख दिया। नबी के सहाबा पर ईमान किसने लिखा है? अल्लाह ने लिखा है, और लिखा भी कैसा कमाल। एक बात तवज्जो से, ओ यार, सहाबी की बात लिखी नहीं कोई मिटा सकता। सहाबी की बात, नबी का नाम सहाबी के दिल पर आए तो कोई मिटा नहीं सकता। हदीस पाक बुखारी पढ़ रहा हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुदैबिया में मौजूद हैं। सुलह हुदैबिया का वाकया पेश आ रहा है, पैगंबर कायनात के सामने सुहेल बैठे हुए हैं, मुशरिकीन अरब की तरफ से आए हैं और आप अलैहिस्सलातु और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहरीर करवाना चाहते हैं। आपने हजरत अली को कलम पकड़ा दी, फरमाया कि अली ये कलम पकड़ो और ये कागज़ पकड़ो, लिखो इस पर ये मरासला, लिखो इस पर ये सारा मुज़ाकरा, मिन मोहम्मदिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम, इधर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है। फरमाया मेरा नाम लिख दो, मोहम्मद के साथ लफ्ज़ रसूलुल्लाह लिखा गया। फरमाया शुरू आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर दो। हज़रत अली ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी और पैगम्बर कायनात लिखवाते जा रहे हैं। हज़रत अली की कलम लिखती जा रही है। सुहेल सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा ए पैगम्बर कायनात, देखिए कि मैं आपसे मुज़ाकरा करने आया हूँ और मैं मुशरिकीन अरब का नुमाइंदा बनकर आया हूँ और आपके साथ मेरा मुज़ाकरा हो रहा है। ये लफ्ज़ मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह मिटा दीजिए। अगर मैंने रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मान लिया तो फिर मेरा और आपके साथ झगड़ा किस बात का है। लफ्ज़ रसूलुल्लाह भी मिटाइए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लफ्ज़ भी मिटा दीजिए, क्योंकि वो लफ्ज़ लिखिए बिस्मिकल्लाहुम्मा जो हम पहले लिखा करते थे, हम अर्रहमान रहीम को नहीं जानते। लिहाजा लफ्ज़ अल्लाह और रहमान रहीम भी मिटा दीजिए और ये भी बिस्मिल्लाह भी मिटाइए, बिस्मिकल्लाहुम्मा लिख दीजिए और अपना नाम मोहम्मद पाक लिखिए और मोहम्मद के आगे लफ्ज़ रसूलुल्लाह भी काट दीजिए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हाथ में कलम है तो पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा ए अली, अपनी कलम के साथ लफ्ज़ रसूलुल्लाह को मिटा दें। ए अली, लफ्ज़ अल्लाह और रहमान रहीम को मिटा दें, बिस्मिल्लाह को मिटा दें। हज़रत अली का यह जुमला आज भी बुखारी के अंदर गूंज रहा है और लिखा हुआ तहरीर शुदा मौजूद है। हज़रत अली ने कहा ला अब हो का या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, ये तो मिटाने की बात करता है। अली के हाथ से और कलम से जब एक दफा मोहम्मद के साथ लफ्ज़ रसूलुल्लाह लिखा गया और लफ्ज़ अल्लाह के साथ रहमान और रहीम लिखा गया, क़यामत तो आ जाएगी लेकिन अली की कलम इसको मिटाएगी कभी नहीं। ए अल्लाह के नबी, मैं इसको मिटाऊंगा। और यार हजरत अली की कलम लिखती है और यहां सहाबा के कलमा किसने लिखा है? अब आलो किसने लिखा है? अल्लाह ने लिखा है, ये अल्लाह का लिखा हुआ कलमा है। और अगली जुमला, अगली बात भी सुनिए, जहां कुरान पाक हो, मेरा अजीज ये कुरान पाक है, इस वजह से इसको मुकद्दस जगह पे रखा जाता है, इसको तपाई पे रखा जाता है और इसको ऊपर की जगह पे रखा जाता है। कोई बंदा कुरान पाक को नीचे रखना बर्दाश्त नहीं करता। ये तो कुरान की बात है, अगर सिर्फ एक टुकड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला ज़मीन पे कहीं गिरा नजर आ जाए, मुसलमान की अकीदत है, मुसलमान उस टुकड़े को पकड़ता है और उसको चूमता है, आंखों के साथ लगाता है, सीने के साथ लगाता है और मुकद्दस मकाम पे जाके रख देता है, यार ये कुरान पाक का टुकड़ा है और ये हदीस ये कुरान पाक का टुकड़ा है, ये रब्बुल आलमीन का नाम है, ये मुकद्दस मकाम है, इस वजह से इस मुकद्दस किताब को ऊपर रखा जाता है और इसको नीचे नहीं आने दिया जाता। शायद इसी बुनियाद पर तो पैगंबर कायनात ने कहा था असहाबी कन्नुजुम बिआईए हम वक्तदयतम एहतदयतम, ओए लोगों मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं और जिसके पीछे जाओगे हिदायत पाओगे। कोई सितारा आसमान से तुम्हें नीचे नजर नहीं आता। नबी ये कहना चाहते हैं जिस तरह अबू बकर फजीलत में आला है, जिस तरह उमर मकाम में आला है, हजरत उस्मान और अली शरफ में आला है, इसी तरह मान के बिलाल और अबू हुरैरा भी आला है रजी अल्लाह तआला आनो। क्यों? इस वजह से कि इन पर नाम किसने लिखा हुआ है? और बोलो किसने लिखा हुआ है नाम? कातबा, इनके ऊपर अल्लाह ने नाम लिख दिया। अगली बात कहना चाहता हूँ, ज़रा इसको भी अकीदत के साथ सुनिए कि जिस पर कुरान पर नाम लिखा गया और ये कुरान पाक तहरीर होकर मेरे हाथों में आ गया और हम इसको जलाना पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कुरान पाक को ना जलाया जाए, इन औराक को ना जलाया जाए, मुकद्दस जगह पे पहुंचा दिया जाए, लिहाजा कुरान पाक को जलाना नहीं जलाया जाएगा, नहीं इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि इस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इस पर कुरान पाक लिखा हुआ है और शुरू से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हुई है, आखिर में नास सूरत नास लिखी हुई है। हम इस कुरान पाक को आग में लाना पसंद नहीं करते। मेरा अजीज इस बात को भी समझ लो कि जब कुरान पाक पर रब कायनात के नाम हैं और इसको आग में लाना मैं दुनिया में पसंद नहीं करता। और जिनके दिल पर मेरे रब ने अपना नाम लिख दिया, जिनके दिल पर मेरे रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिख दिया, जिनके दिल पर मेरे रब ने कुरान पाक लिख दिया, यहीं से तवज्जो कर लो कि मेरा रब चाहेगा कि उनको मैं जहन्नम में फेंकूं। इस वजह से मेरा अकीदा है मर रहानी और अमर रहानी। ओए लोगों जिसने मुझे देखा ईमान के साथ, पैगंबर कायनात ने कहा कि उस पर भी जहन्नम की आग हराम है, ओए सहाबा पर तो जहन्नम की आग हराम ही हराम है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, नबी और रहमत ने कहा, ओए जिसने मेरे सहाबी को ईमान के साथ देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है, वह भी जन्नत में जाएगा, वह भी कहा जाएगा। ये तो बड़े मुकद्दस लोग हैं। बुखारी का एक और मकाम सुनाना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
लोगों एक वक्त आएगा मैं दुनिया से चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद लोग जिहाद के लिए जाएंगे, सफ़र जारी है। कहने वाला कहेगा तुम में कोई पैगंबर का सहाबी है? आवाज़ आएगी सहाबी है। फरमाया लोगों मेरे सहाबी की वजूद की बरकत में और अल्लाह ताला की रहमतों से, सिर्फ मेरे सहाबी की शराकत से अल्लाह जिहाद वालों को फतह अता फरमा देगा। फरमाया मेरा सहाबी दुनिया से चला जाएगा, फिर लोग जिहाद के लिए चलेंगे, आवाज़ आएगी। कोई ताबी है जिसने किसी सहाबी को देखा हुआ है? आवाज़ आएगी है। फरमाया कि सिर्फ उस ताबी की वजह से अल्लाह लोगों को फतह अता फरमाएंगे, फिर तबा ताबी की वजह से रब्बे जुल जलाल लोगों को फतह अता फरमाएंगे। सहाबा का बड़ा मकाम है जिस कुरान, आगे चलिए अगली बात कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक, ये कुरान मुकद्दस है, इस कुरान पाक को पलीत बंदा हाथ नहीं लगा सकता, बेवजू आदमी इसको छू भी नहीं सकता और जुम्बी बंदा इसके करीब भी आ नहीं सकता। हाल ये कि जुम्बी आदमी तो इसको पढ़ भी नहीं सकता, हैज़ व निफास में औरत इसको छू भी नहीं सकती, इसको पढ़ भी नहीं सकता। कुरान पाक के जरी हरूफ में ये लफ्ज़ वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों के साथ इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि लोगों ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको वो छुए जो पाक है, इसको वो छुए जो नमाजी है, इसको वो छुए जो वज़ू वाला है, वज़ू के बगैर इसको कोई बंदा ना छुए। ये तो कुरान मुकद्दस में रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया कि बगैर वुजू के इसको कोई हाथ ना लगाए। मेरा भाई आगे चलिए कि जब बगैर वुजू के इसको हाथ लगाना जायज नहीं है, और आप कुरान पाक कहता है उलाई का कतब फी कुलूबिहिम अलईमान, इन नबी के सहाबा के दिल पर ईमान अल्लाह कहता है मैंने लिखा है, मैंने तहरीर कर दिया है, मैंने इसको लिख दिया है। ओए पाक नापाक बंदा इस कुरान तक नहीं जा सकता, इसी तरीके से नापाक शैतान भी मेरे नबी के सहाबा तक नहीं जा सकता, नापाक शैतान भी नहीं जा सकता। नबी ने कहा था उमर जिस राह से गुजरता है शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। ऐसे सहाबा दिए, अब दीन का गलबा होने लगा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर हमने तुझे सहाबा दिए हैं, बिदत से नफरत करते हैं, हम तुझे वो सहाबा दे रहे हैं। सहाबी चल रहा है, बैतुल्ला का तवाफ कर रहा है और करते करते हजरे अस्वद के सामने खड़ा होता है और हजरे अस्वद को खिताब करके कहता है ओ हजर तू पत्थर है, तू नफे नुकसान का मालिक है, अगर तुझ पर मेरे नबी ने होंठ ना रखा होता मैं तुझे कभी ना चूमता। ऐ मेरा पैगंबर वो सहाबा दिए जिनके जरिए हमने दीन को गलबा देना है, दीन गालब रहेगा तेरे जरिए मेरे महबूब, दीन को गलबा देंगे तेरे सहाबा के जरिए, हम दीन को गालिब करके छोड़ेंगे दीन को। अल्लाह ने फरमाया यहूदियों तुम कौन हो? हमने कहा ज़कात दो, सदका दो, खैरात दो, तुमने कहना शुरू कर दिया इन्नल्लाह फ़कीरुन नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह गरीब हो चुका है, अल्लाह फ़कीर हो चुका है, तुमने चेमगोइयाँ शुरू कर दी। हमने कहा इतवार के दिन की इज्जत करो और तुमने बदल बदल के हालतें मुतगैर कर करके मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी, धोखा देना शुरू कर दिया। हमने कहा उद्खुलुल बाबा सुज्जदा, इस दरवाजे से सजदा करते हुए जाना, और दाखालू यन हाजी फोन अस्ताहा हूँ, तुमने पीठे आगे दाखिल करना शुरू कर दी। हमने कहा हित्ता हित्ता कहना है, अल्लाह हमारे गुनाह को बख्श दे, और तुमने हिंता हिंता हब्बतुन फी शारतिन कहना शुरू कर दिया। हमें गुनाह नहीं बख्शे चाहिए, हमें तो दाने मिलने चाहिए, हमें तो अनाज मिलना चाहिए, तुमने मेरी हालतें मेरी चीज़ें बदलना शुरू कर दी, पैगम्बर मूसा के अकामात को बदलना शुरू कर दिया और तगैयर करना शुरू कर दिया। अगर ज़कात की बात करते हैं कहते हो कि नौज़ुबिल्लाह इन्नल्लाह फ़कीरुन, अल्लाह फ़कीर हो चुका है, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरा पैगंबर हम आपको सहाबा देते हैं, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, उनके ज़रिए कुरान का गलबा करवा के छोड़ेंगे,
हम उनके जरिए दीन का गलबा करा के छोड़ेंगे। तबूक का मैदान है, आका दो आलम ने ऐलान कर दिया, ओए लोगों ज़कात दो, सदका खैरात दो और माल को जमा करो। आए लोग अपना अपना पैसा लेकर, बुढ़िया आई एक सुई लेकर, उसके घर में सुई थी, और ए हजरत उस्मान आए एक गट्ठर बांधकर और कहने लगे कि अल्लाह के पाक पैगंबर आधी फौज 20,000 का लश्कर मेरे खाते में डाल दिया जाए। अपनी अपनी बसात में सारे मेहनत कर रहे हैं, कोई 2 किलो खजूरें लेकर आया, कोई 4 किलो खजूरें लेकर आया, और कोई घर का आधा सामान उठाकर पैगंबर के कदमों में ला कर रखता है। ऐ उमर, ये इतनी बड़ी गठरी कहाँ से लाया है, इसमें क्या चीज़ें हैं? हजरत उमर ने कहा, ऐ अल्लाह के पाक पैगंबर, घर के सामान को 2 हिस्सों में तकसीम कर आया था और एक हिस्सा घर में छोड़ आया हूँ और एक हिस्सा आपकी खिदमत में लाया हूँ। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, और यहूदियों तुम तो कहते रहे इन अल्लाह फ़कीर, अल्लाह ताला नौज़बिल्लाह फ़कीर हो चुका है और हम मालदार हो चुके हैं, और अल्लाह के पैगंबर ने आवाज़ बुलंद कर दी, हमें ज़कात चाहिए, हमें खैरात चाहिए, हमें सदका चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें फंड चाहिए, इन्फाक कर दो, अल्लाह की राह में खर्च कर दो। ए अबू बकर ये गठरी क्या है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर माल की गठरी है, घर से उठा के लाया हूँ। ए अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हैं? हजरत अबू बकर ने कहा, घर में तो मैंने झाड़ू भी फेर दिया था, सारी चीजें उठा कर लाया हूँ। ए अबू बकर घर में कोई चीज तो तूने छोड़ी है या नहीं छोड़ी? अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर घर में सारी दुनिया से आला दौलत रख के आया हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, कौन सी आला दौलत है जो तेरे घर में है? हजरत सिद्दीक ने कहा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत छोड़ आया हूँ। हम तुझे वो लोग दे रहे हैं जिससे दीन, और बोलो दीन गालिब होकर रहेगा। तौहीद पर कायम लोग, सुन्नत पर कायम लोग,